जब आप शैतान के काम करने का तरीका पता कर लेंगे तो आपको ये भी पता हो जाएगा कि शैतान और उसके लोगों के काम करने का तरीका, ये जो झूठा भविष्यवक्ता, इसको झूठा भविष्यवक्ता भी कहा गया क्योंकि बहुत सी झूठी शिक्षाएं जो हैं वो अमेरिका से निकल कर आई हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे। हम बात कर रहे हैं क्या शैतान ही शैतान को निकाल सकता है। आपने पिछला वीडियो देखा होगा जो पहला वीडियो था, इसी पर आधारित था और ये इसका सेकंड पार्ट है। और ये पार्ट जो है हम जो बात कर रहे हैं मत्ती 12 अध्याय उसका 24 पद से लेकर 28 पद तक के विषय में बातचीत कर रहे हैं और इनके भेदों को जो है हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। पिछले संदेश में हमने देखा था कि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रेरित जो हैं जब वो काम करते हैं और जब ये कहा जाता है, ये कहा जाता है कि ये जो है ये सब झूठ पर आधारित है, ये परमेश्वर की ओर से ये आश्चर्यकर्म या अद्भुत काम या चंगाई के काम नहीं है, तो लोग उनकी सपोर्ट में जो है मत्ती 12 अध्याय उसके 24 पद से लेकर 28 पद तक जो है वो सामने पेश करते हैं और क्या कहते हैं। मैं उनको फिर से पढ़ देना चाहता हूं, दो पद पढ़ूंगा यहां पर, मत्ती 12 का 24 पद और 26 पद, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले 24 पद पढ़ रहा हूं। परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार बालजबुल की सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। 26 पद, और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज कैसे बना रहेगा। अब यहां पर जो है सब कहते, ये बात जो है यीशु मसीह के लिए कही गई, ये बात किसी चेलों के लिए नहीं कही गई है। जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने जो प्रचार कार्य करा है ये यीशु मसीह के लिए कहा गया है। जब यीशु मसीह बहुत से चंगाई के काम करें, बहुत से उसने आश्चर्य कर्म करें, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला है लोगों के जीवन से, तब फरीसी और जो बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार थे बोले ये तो शैतान का जो राजा है, शैतान है जो दुष्ट आत्माओं का राजा है, जो दुष्ट आत्माओं का अधिकारी है, जो दुष्ट आत्माओं का शासक है, जो कहलाया जाता है, ये उसके द्वारा जो है उसकी सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तब यीशु मसीह इस बात को कहता है कि शैतान ही शैतान को कैसे निकाल सकता है, क्या वो शैतान ही शैतान का विरोधी नहीं होगा। ये बात यीशु मसीह ने अपने लिए कही कि यदि मैं शैतान की सहायता से या शैतान का जो राजा है उसकी सहायता से निकालता हूं तो फिर तो मैं अगर शैतान हूं तो मैं तो शैतान जो राजा है जिसके अधीन मैं हूं, जिस अधिकार के साथ मैं कर रहा हूं, वो मैं तो उसके विरोध में हो गया। बात प्रभु यीशु मसीह की है और लोग क्या करते हैं, लोग अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की तुलना करने लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह ये कह सकता था क्योंकि वो शैतान के अधीन नहीं था, बल्कि शैतान उसके अधीन था और वो उसको दंड उसी समय दे सकता था, परंतु परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हर एक का समय निर्धारित करा है। मगर हम जो हैं, जो मनुष्य हैं, जो इस संसार में रहते हैं, जो जिसके लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ, यीशु मसीह के लिए कोई बलिदान नहीं हुआ क्योंकि वो पापी नहीं था, हम पापी थे, यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ। तो अगर बहुत जो बातें यीशु मसीह के लिए कही गई हैं उन बातों की कंपेयरिंग अगर हम अपने लिए करेंगे तो हम अपनी तुलना यीशु मसीह से कर रहे हैं, हम अपने आप को यीशु मसीह की बराबरी में कर रहे हैं। भाई हम मनुष्य हैं, हम यीशु मसीह की सृष्टि हैं, वो सृष्टि नहीं है, वो सृष्टि करता है। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कोई भी पद उठाकर चाहे वो बात यीशु मसीह के लिए है, हम अपने लिए जोड़ लेते हैं, अपने लिए कह लेते हैं। और देखिए स्वर्गदूत ने, जो शैतान था, जो प्रधान स्वर्गदूत था, उसने भी क्या करा, जब वो परमेश्वर के तुल्य होना चाहता था तब उसका परिणाम क्या हुआ। देखिए मैं जो हूं, बहुत सी चीजें जो हैं आपको खुद भी समझना है। यशाया 14 और उसका 14 पद में लिखा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊं। जब उसने ये कहा कि मैं परम प्रधान के तुल्य, उस ईश्वर के तुल्य यानी उसके बराबर हो जाऊंगा, तो वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया। यशाया में ये बात है। अभी एजेकेल की ले लीजिए, एजेकेल 28 उसके 2 पद में क्या लिखा है, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है,
तूने मन में फूल कर ये कहा, मैं ईश्वर हूं, मैं समुन्दर के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूं। परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है तो भी तू ईश्वर नहीं मनुष्य ही है। अब यानी घमंड से भरकर जब शैतान ने कहा कि मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर के आसन पर बैठा हूं, यानी उसके सिंहासन पर बैठा, भाई तू कैसे बैठ सकता है? इतनी बड़ी मतलब इतना घमंड से भर गया, और जब वो इतना घमंड से भर गया और अपने आप को परमेश्वर समझने लगा तो वो पृथ्वी पर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य। जरा देख लीजिए, हम भी जो हैं बहुत से लोग जो हैं अपनी बराबरी यीशु मसीह से करने लगते हैं। जब अपनी बराबरी यीशु मसीह से करने लगते हैं तो परिणाम क्या होते हैं? दूसरा थसलुनीकियों 2:4, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर कहलाता है। यहां पर देखिए पौलुस भी इस बात को कह रहा है, जो अपने आप को ईश्वर ठहरा रहा है वो क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है कि वो गिरा दिया गया। यहां बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। और यहां पर हम बात करेंगे शैतान और हवा की भी बात करेंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा, उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 5 पद क्या लिखा है? वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। हवा भी क्या थी? परमेश्वर के तुल्य होना चाहती थी, परमेश्वर की बराबरी करना चाहती थी। जब आदम उसके सामने आया, आदम को भी उसने यही चीज पट्टी पढ़ाई जो शैतान ने उसे पढ़ाई थी, जो शैतान ने उसे सिखाया था, तभी आदम ने भी वो फल खा लिया। वो भी परमेश्वर के बराबर होना चाहता था। और जब ये दोनों पति पत्नी परमेश्वर की बराबरी करने पर उतारू हो गए तो वो तुरंत क्या हुआ? परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाला, जाओ बेटा बाहर जाओ, चले जाओ यहां से। तो हम देखें जो बात प्रभु यीशु मसीह के लिए कही जा रही है वो हम अपने लिए यूज कर रहे हैं। भाई हम मनुष्य हैं, हमसे बहुत सी गलतियां होती हैं। पौलुस जो है रोमियो 3 अध्याय उसके 10 पद से आप आगे तक पढ़ते चले जाइए, परमेश्वर का वचन कहता कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी मुझे खोजने वाला नहीं, कोई भी समझदार नहीं, सबके सब निकम्मे हो गए हैं, सबका गला जो है खुली हुई कब्र है, सब पापी हैं। प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्रता को प्रकट कर रहा है वहां पर कि यदि मैं शैतान की सहायता से निकालता तो मैं उसका विरोधी हो गया, मैं शैतान की सहायता से नहीं हुआ। बता रहा है कि मुझ में और शैतान में कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा गैप है, मुझ में उसमें जमीन आसमान का अंतर है। मैं उसके नाम को प्रयोग ही नहीं कर सकता, मैं उसके नाम से कुछ कर ही नहीं सकता, मैं उसके नाम से निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो जीवित और सच्चा और सदैव बना रहने वाला परमेश्वर। हम अपने लिए प्रयोग करें तो किस लिए? कि हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, हम पवित्र हैं। वो क्या शैतान हमें क्या नहीं बरगलाता है? हम क्या बिल्कुल पवित्र हो गए, साफ हो गए? ये तो जब परमेश्वर के न्याय के आगे, पिछले संदेश को अगर आपने देखा होगा, वही पवित्र लोग जो कहते हैं हे प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी, तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं करें, प्रभु उन्हीं से कह रहा है कि मैं तुम्हें चले जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना हे कुकर्म करने वालों। मत्ती 7 अध्याय उसका 21-22-23 पद पढ़ लीजिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं उसको। अब हम बात करते हैं मत्ती 4:1-11। मत्ती 4:1-11 जो है शैतान जो है यीशु मसीह की वहां पर परीक्षा ले रहा है। शैतान यीशु मसीह की परीक्षा कैसे ले रहा है? वचन के अनुसार, और उसको बता रहा है देख तेरे बारे में ये लिखा है, देख तेरे बारे में ये लिखा है। यीशु मसीह जो है उसको वचन का जवाब वचन से ही दे रहा है। आज अगर हम भी यीशु मसीह का नाम लेकर उसका वचन को लेकर हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि सही कर रहे हैं। हमें जांचना है, परखना है अपने आप को, परमेश्वर के वचन को देखना है। और क्या लिखा? परमेश्वर का वचन इसलिए स्पष्ट कहता है, यूहन्ना की पत्री पढ़ें, 2 यूहन्ना 1 अध्याय है उसका 9, 10 और 11 पद है, बड़ा ध्यान दीजिएगा। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो।
क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साक्षी होता है। अब यहां पर क्या है, जो कोई मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, देखिए सबसे बड़ी जरूरत है यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह की शिक्षा जो उसने हमें दी है, जो कोई उसकी शिक्षा में बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं है। और यदि कोई उसकी शिक्षा में, उसके वचन में स्थिर रहता है, बना रहता है, उसी के अनुसार कार्य करता है, तो लिखा है उसके पास पिता भी है और उसके पास पुत्र। और यदि तुम्हारे पास कोई आए और ये कहे कि और यही शिक्षा ना दे, यानी जो परमेश्वर के वचन पर आधारित है, बहुत सी बातें हैं जो लोग नहीं मानते हैं, नहीं करते हैं, तो लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उससे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार दो। मगर हम तो ऐसों के पीछे भागते हैं जो झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह, झूठे प्रेरित, झूठे उपदेशक है, उनके पीछे पीछे भागते हैं। अपनी धन दौलत तो उनको लुटाते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं उनके पीछे भागकर। और क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साक्षी है। बिल्कुल साफ जो है परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, और इसलिए वो कहता है कि सावधान रहो। ठीक है, इसलिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि शैतान के काम करने का तरीका क्या है। जब आप शैतान के काम करने का तरीका पता कर लेंगे तो आपको यह भी पता हो जाएगा कि शैतान और उसके लोगों के काम करने का तरीका क्या है। सबसे बड़ी बात है आपको परमेश्वर के जीवित और सच्चे वचन से दूर रखेंगे, जो उसकी सच्चाई है, जो गहराइयां, आपको लगेगा नहीं ये बता तो वचन से रहे। अब शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा वचन से ले रहा था, और वचन में लिखा हुआ था, कोई झूठ नहीं कह रहा था, वो बिल्कुल सही बात लिखी हुई थी, मगर वो गलत तरीके से प्रयोग कर रहा था परमेश्वर के वचन। आज हम भी बहुत से लोगों को देखते हैं परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से प्रयोग करते हुए। जब परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से प्रयोग करते हैं तो हम शैतान को बढ़ावा देते हैं। आपको समझना है, आपके अंदर ये समझ होनी चाहिए कि ये आत्मा जो परमेश्वर का वचन लेकर मेरे पास आई है, या जो भी कार्य कर रहे हैं परमेश्वर की का नाम लेकर कर रहे हैं, क्या ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। चलिए शैतान के काम करने के तरीके के बारे में जानेंगे, वो परमेश्वर की तरह काम करता है। पहले हम परमेश्वर के कार्य को देख लें कि परमेश्वर का कार्य क्या है। परमेश्वर जो है अपना कार्य कैसे पूरा करता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में करता है। जब आप प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 4 उसका 4 पद, उसका 8 पद पढ़ेंगे, वहां मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, वहां पर लिखा हुआ है जो है, जो था और जो आने वाला है। ठीक है, अब इस बात को समझिएगा, जो है यानी ये इस समय पवित्र आत्मा का युग है, जो था परमेश्वर यहोवा पिता के रूप में कार्य करता है, उसने करा, और जो आने वाला है न्यायकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह जो आने वाला है। बहुत समझने की बात है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जो है, जो था और जो आने वाला है, तीनों काल में परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है अलग अलग रूपों में। पिता के रूप में यहोवा के नाम से, इस युग में वर्तमान समय में पवित्र आत्मा के रूप में, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना 4 और उसके 24 पद को पढ़ेंगे, परमेश्वर आत्मा है, आत्मा के रूप में प्रकट करता है, और आने वाले समय में न्याय के रूप में जो है, न्यायकर्ता के रूप में यानी पुत्र के रूप में प्रभु यीशु मसीह। और न्याय का काम जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा है यूहन्ना 5 अध्याय उसका 22 पद पढ़ेंगे, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सारा काम पुत्र को सौंप दिया है। बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, पुत्र को सौंप दिया। और एक बात ध्यान दीजिएगा, पिता ने सब कुछ पुत्र के अधीन कर दिया है। बड़ा ध्यान समझने की बात है कि पहले हम परमेश्वर के काम करने के तरीके को समझें। पिता ने सारी चीजें जो हैं अपने पुत्र के अधीन कर दी। आप पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 27 से 28 पद जब आप पढ़ेंगे, उसको पढ़ लीजिएगा कि वहां पर जो है परमेश्वर ने सब कुछ जो है वह अपने पुत्र के अधीन कर दिया, सब कुछ पुत्र के अधीन कर दिया। अब हम देखते हैं शैतान के कार्य करने का तरीका। सबसे पहले हम शैतान को देखते हैं कि वो किस नाम से जाना जाता है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 9 पद जब आप पढ़ेंगे, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया। ये सारे संसार का भरमाने वाला
यानी बड़ा अजगर शैतान जो है, अब इसको क्या कहा गया है? बड़ा ध्यान दीजिएगा, यूहन्ना 8 अध्याय उसका 44 पद, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है क्योंकि वह झूठा है वरन झूठों का पिता है। इस पद में शैतान को 3 बार पिता करके संबोधित किया गया है, यानी इस संसार का जो झूठा है, जो झूठों का पिता है, जो फरेब और धोखे बाजों का पिता है, जो उल्टी सीधे कामों का पिता है, जो परमेश्वर की मिलावट, परमेश्वर के वचन में मिलावट करने का वाला जो वो है पिता है, बुरे काम करने वाला जो है वो पिता है, इसको जो है वो पिता कहा गया है शैतान को। जरा ध्यान करिएगा, अब दूसरा थसलुनीकियों 2:3 पढ़िएगा, वे पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। ठीक है, वे पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। पाप का पुरुष कौन है? है विनाश का पुत्र, यानी विनाशक कौन है? विनाशक एक कोई है और विनाशक जो है वो शैतान है, क्योंकि शैतान ने सब कुछ विनाश करके रखा हुआ, लोगों के आत्मिक जीवन का विनाश कर दिया, परमेश्वर के काम को विनाश करने में लगा रहता है और लोगों की आत्मिकता विनाश करने में लगा रहता है, पवित्रता विनाश करने में लगा रहता है, यानी विनाश उसका पुत्र भी कोई है कि वो प्रकट होगा। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहले हम विनाशक के बारे में पढ़ लें, जब आप प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय उसका 11 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि अथाह कुंड का जो दूत है, दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अब्बदोन और यूनानी में अपुलियोन है, जिसका अर्थ होता है विनाशक, यानी शैतान जो है ये इसके बारे में कहा गया कि ये विनाशक है और इस विनाश का जो पुत्र है उसको पाप का पुरुष कहा गया है। अब ये पाप का पुरुष कौन है? बड़ा ध्यान दीजिएगा, चलिए इसके बारे में भी पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 1 और 2 पद जो है वह हम पढ़ेंगे। तब मैंने एक पशु को समुन्द्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सिंह और 7 सर थे, उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा है वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का साथ था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। अब ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने यह सारी सृष्टि को बनाकर सब कुछ अपने पुत्र के अधीन कर दिया। अब शैतान ने क्या करा है? यह पशु जो निकला है समुद्र में से निकला, इसके बहुत से भेद हैं, मैं इन भेदों को अभी नहीं खोलूंगा क्योंकि मैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का भी श्रृंखला जो है वह हम आप वीडियो पर देखते होंगे, ये वहां आकर उस भेद को खोलूंगा, परंतु यहां पर जो है सिर्फ इतना बताना चाहूंगा ये रोम राज की बात है, ये रोम राज की बात है। और यहां पर जो है इस अजगर ने लिखा ना, उस अजगर ने अपना यानी रोम को जो है अपना सामर्थ और अपना सिंहासन और अपना बड़ा अधिकार उसे दे, यानी अपना सिंहासन यानी अधिकार की भाई, अधिकार भाई अपना सिंहासन पर कौन बैठा लेगा, अपना अधिकार कौन देगा? मेरी प्रॉपर्टी का मालिक मेरा बेटा ही तो होगा, आपकी प्रॉपर्टी का मालिक आपका बेटा होगा। यहां पर जो है इसकी प्रॉपर्टी का मालिक, जो इसके पास झूठी सामर्थ है, जो इसके पास झूठा अधिकार है, जो ये सिंहासन जो है लगाए बैठा है और पूरे संसार के ऊपर जो है राज करता है, इसने किसे दे दिया? जो पशु समुन्द्र से निकला अर्थात रोम राज को। ये पुत्र जो है ये रोम है। जरा ध्यान दीजिएगा परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कह रहा है। अब हम बात करेंगे, देखिए पिता भी आ गया, परमेश्वर पिता के रूप में कार्य करता है, शैतान भी पिता के रूप में है, ठीक है। अब पुत्र के रूप में जो है प्रभु यीशु मसीह है और पुत्र के रूप में कौन काम कर रहा है? रोम का जो राज रहा है, अगर आप रोम हिस्ट्री पढ़ेंगे पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो है रोम राज रहा है। और जब हम शिक्षाओं की बात करेंगे, जो झूठी शिक्षा झूठी चीज़ें निकल कर आई हैं बहुत सी बातों की, वो रोम से ही निकल कर आई हैं। अब हम बात करेंगे पूरे विश्व के अंदर जो है बहुत सी बातें जो हैं रोम की लागू होती हैं आज भी। और फिर दूसरी बात जब हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 11-13 पद तक, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा
उसके मेमने से दो सींग थे और वह अजर के समान बोलता था। वे उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वाले से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। वे बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। अब ये जो है, ये किसके बारे में है कि ये जो पशु पृथ्वी में से निकला है, इसकी भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। और इसको जो है मेमने के से दो सींग दिए गए हैं, परंतु ये अजगर के समान बोलता है। आप जब इस वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे, एक ही ऐसा देश है जिसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है, और आज जो है वो पूरे संसार के ऊपर छाया हुआ है, पूरे संसार के ऊपर हुकूमत करता है, चाहे वो धार्मिक रीति से ले लीजिए, सामाजिक रीति से ले लीजिए, या कैसे भी ले लीजिए। आप जो है उस पशु को देखेंगे और वो पशु है अमेरिका। अमेरिका की कथनी और करनी दोनों में अंतर है। वो कहता कुछ है, करता कुछ है, ये वर्ल्ड के सारे लोग मानते हैं, और वर्ल्ड पावर जो है वो इसी के पास है। जैसे पवित्र आत्मा परमेश्वर ने पूरे संसार के ऊपर उंडेला और पूरे संसार पे इस समय पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, बिल्कुल ठीक ये जो झूठा भविष्यवक्ता, इसको झूठा भविष्यवक्ता भी कहा गया क्योंकि बहुत सी झूठी शिक्षाएं जो हैं वो अमेरिका से निकलकर आई हैं। जी हाँ, बहुत सी झूठी शिक्षाएं, और इसे झूठा पशु भी जो है परमेश्वर के वचन के आधार पर कहा गया है ये वो झूठा शिक्षक है। तो पवित्र आत्मा जैसे कार्य कर रहा है पूरे वर्ल्ड के ऊपर, ये जो है वर्ल्ड पावर है जो है इस संसार की, और अमेरिका है। तो यहां पर जो है ये आपने देखा कि परमेश्वर जिस तरीके से पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में काम करता है, शैतान भी वैसे ही काम कर रहा है, और इसने बड़ी बड़ी जो हस्तियां रही हैं, सामर्थ्य रही है, ये इसने उनको अपनी पावर में ले रखा है और पूरे वर्ल्ड के ऊपर वो काम कर रहे हैं। किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से घेरे हुए हैं, ये सब आप जानते हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, और वो बात ये है कि ये जो काम हो रहा है चंगाई का या भविष्यवाणी का, जो भी काम हो रहा है, ये किसी और के द्वारा नहीं, ईसाई समाज के द्वारा हो रहा है। ईसाई समाज के अंदर की बात है कि ईसाई समाज में झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रेरित और झूठे उपदेशक उठ खड़े हुए हैं। ये किसी और समाज की बात नहीं है। और जो प्रकाशित वाक्य में पशु दिया गया है, ये सब ईसाई समाज के, मसीही समाज के लोग हैं। और इसलिए मत्ती 24 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह मत्ती 24 के 24 में बिल्कुल साफ कहता है, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता, ये उनमें से निकले हुए लोग हैं। कहीं आप किसी और को समझने की गलती ना करें, क्योंकि ये मसीह समाज के झूठे लोग हैं, फरेबी और छल से काम करने वाले लोग हैं। इनसे अलर्ट रहें, ये प्रभु के राज से आपको भटकाना चाहते हैं और निकालना चाहते हैं। आप प्रभु के राज में बने रहिए। मत्ती 12 का 27 और 28, भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुंचा है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? वो कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है कि यदि मैं शैतान की सहायता से निकालता हूं, तो तुम भी तो आश्चर्यकर्म कर रहे हो, तुम भी तो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हो, तुम किसकी सहायता से निकाल रहे हो? अगर मैं शैतान की सहायता से निकाल रहा हूं, तो इसका मतलब तुम भी शैतान की सहायता से निकाल रहे हो। जब मैं निकाल सकता हूं, प्रभु होकर जो बलिदान होने आया है, जो स्वर्ग छोड़कर आया, जो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, जो सारी सृष्टि का बनाने वाला है, सारी सृष्टि उसी में और उसी के लिए और उसी में बनाई गई है, उसके लिए जब ऐसी बात हो रही है, तो आप किसके लिए निकाल रहे हैं? जी हाँ, अगर हम परमेश्वर के वचन में नहीं है, तो सही में शैतान हमारे द्वारा जो है काम कर रहा है। और वो काम क्यों कर रहा है? यीशु मसीह के नाम से क्यों होने दे रहा है? क्यों वो परमेश्वर के वचन में के द्वारा काम होने दे रहा है? वो इसलिए होने दे रहा है ताकि हम परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं से भटक जाएं, परमेश्वर के उस राज के, विशेष तौर से उस राज के सुसमाचार से भटक जाएं, दूर हो जाएं और परमेश्वर के राज से वंचित हो जाएं। और इसलिए वो होने दे रहा है काम, नाम प्रभु यीशु मसीह का, काम शैतान का हो रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप उन चीज़ों को देखें, समझें और ऐसे लोगों से दूर रहें जो शैतान ही शैतान के द्वारा आज जो है वो काम हो रहा है और उसके काम को बढ़ावा मिल रहा है। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे। आमीन।